आप उठाओ, आप उठाओ। केवल जानता विभीषण है, इस समय मृत्यु का मेरी हो सकता एक ही कारण है। यही विभीषण, मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। देखा आपने रावण कैसा फूका, मजा आया नहीं आया नविंदा दा तुम्हें? बहुत मजा आया, मजा भवाली, क्योंकि भवाली का भी रावण नहीं फूका होगा, वहाँ भी जा रहे हैं। चल पड़े हम लोग ये भवाली दोस्तों, हम लोग भवाली हैं, ये यहाँ का भवाली का रावण देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नीरज कुमार और आप देख रहे हैं नीरज कुमार के ब्लॉग। तो गाइस, आपको सबसे पहले हैप्पी दशहरा। आज है दशहरे का दिन, तो हम आ गए फील्ड में और दिखाते हैं आपको दशहरे का पर्व। ये पहुंच गया गाइस में फील्ड में, देखो ये रावण कुंभकर्ण मुगना तीनों के पुतले बन गए इस टाइम पर। नज़ारा देखो इस टाइम पूरा फील्ड का कितना सुंदर लग रहा है, देखो आप ये। गाइस बारात राम या रथ आ गया है, रावण का भी रथ आ गया, अब यहाँ पे युद्ध होगा वो देखो गाइस। आगे रावण की पूरी सेना और ये हमारे सारे पुतले, देखो कितनी है सरी सर चमक रहे हैं देखो आप। और ये हमारे तीनों पुतले रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के, ये देखो गाइस ये लंबे लंबे पुतले बने हैं यहाँ पे। और ये देखो गाइस पुतले इस टाइम पर आप कितने सुंदर सुंदर पुतले बनाए हैं, अभी फ्रंट से दिखाऊंगा तब देख। गाइस एक बारी पब्लिक देखो आप, कितनी ज़्यादा पब्लिक है, सीढ़ियाँ देख रहे हो कैसे खचाखच भरी ऑडियंस से। क्रिकेट मैच चल रहा होगा जैसे कि देखो, क्रिकेट मैच की तरह बैठे हैं। होने वाला है राम रावण युद्ध, यहाँ से पहले युद्ध कराया जाएगा उसके बाद रावण को देंगे। गाइस अभी आ गए हैं भवाली से नवीन दादा मेरे साथ, अब बोलो अब आ गए भवाली से नवीन दादा। हाँ अभी पहले हम यहाँ का रावण जला देंगे, तो यहाँ का जल जाएगा उसके बाद भवाली जाएंगे तो वहाँ का जलाएंगे। और भाई पब्लिक चेक करो यार एक बार, आप अभी देखो आप रावण के पुतले कितने सुंदर सुंदर, ये देखो रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ। अभी ये लंबा लग रहा देखो मेघनाथ, तो अरे पता नहीं जो भी है रावण से ऊंचा लग रहा देखो, तीनों एक ही लेवल के दिख रहे हैं। और अभी आरती, ये हो रही है आरती स्टैंड पे, अभी आरती का कार्यक्रम हो रहा है राम हनुमान जी। गाइस अभी आरती खत्म, अब इसके बाद राम रावण युद्ध होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद राम रावण युद्ध होने के बाद फिर आतिशबाजी शुरू होगी, फिर इन पुतलों का दहन शुरू हो जाएगा। होने वाला है गाइस राम रावण युद्ध, अभी आ गई गाइस देखो रावण की सेना, यह है रावण बच्चन का, आप लोग आनंद रामचंद्र की, मंत्री युद्ध क्षेत्र के क्या समाचार हैं? महाराज कल कोई थे में महाराज अभी रावण मारे गए। क्या कहा? अभी रावण भी मारा गया, तुम्हारे शस्त्रों पर आकारों पर जो दस दस बीस बीस बानर दर्जाए कौन हजारों पर, और आप पसंदियों आलसियों जो दूध रख जाते हो अपना, लंका विदेशियों को देकर जो अस्तित्व मिटाते हो अपना, जिसका रत्न हो स्वर्ग जी कैलाश उठाने वाला हो, जिसके अपने बंदी ग्रह में यमसी का करते हो
डाला हो उसकी नियत उसके बच्चे जमाने में तो लाख लानत है तुम्हें मैदानी कौम कहने में इसी जरे पर्वत के बदले स्वच्छता आकाश की तेज शंकर का घटे शुक्र का कैलाश की चांदे अपनी चांदनी सूरज चमक ना छोड़ दे लेकिन असंभव है रावण यदि आज रात तुझे छोड़ दे उतार दे तिगपाल कैसे है हमारी आरती कर रहा पंखा पवन अग्नि तनु को आरती हम जगत के है नियंता वीर ज्योतिर्वान है और नहीं भगवान कोई जब स्वयं हम भगवान है अरे रावण जू बात न कर तू मार न शोभा पाता है रहमत बातें करने वाला कायर योद्धा कहलाता है अगर लंका के वीर जवान हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की लो दशरथ नंदन सच हुआ वर्षा करने अपने बाणों की सामने और युद्ध कर मृत्यु का दिन सभी उसने तुझको भरमाया है
कहना सुनना है व्यर्थ यहाँ, सचमुच मरवाया है सामने आ, तुझे भी देख लेता हूँ आज। धन्य तेरी जननी हे बलशाली की सुर नर नाग किन्नर, त्रिभुवन मुझसे थर रहा है, तब दलित किया मैंने उसको जो मेरे सम्मुख आया है, हर एक विश्व का सूरवीर बरसे मेरे खामोश हुआ, अब साथ वही बल वाला मैं अपना खाका बेहोश हुआ। भैया तुम भैया रावण हो, मैं धन्य हुआ दर्शन करके, यो शोभा नहीं देता मुझको, मैं जाऊं तुमसे लड़के, मैं जाऊं तुमसे लड़के, मगर भ्राता नारी चुनारे में जग में ना होती बढ़ाई है, प्रतिशोध की इस ज्वाला में बस कुल की शान गवाई है नीति नहीं यो वीरों की कि जग में ऐसा कोई कार्य करे, है सत्य धर्म वो ही भ्राता जो सदा सत्य के साथ चले, जो सदा सत्य के साथ चले। अरे विभीषण, यदि तुझ में लड़ने का साहस होता तो क्या इनके पीछे छुपा होता, जला के हाथ ले। कहां सब गुप्त रहस्य मेरा, केवल जानता विभीषण है, इस समय मृत्यु का मेरी हो सकता एक ही कारण है, अगर इसको हिम्मत कर दूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर ये रामचंद्र तो किस गिनती में है, ब्रह्मा भी मार न पाएगा। रावण, मैंने ही माया जन्माई और तू मुझ पर ही आज पाता है, अपने इस घमंड के कारण बेमौत तू मारा जाता है। आ, सामने आ, आज देखते हैं कौन मारा जाता है। रावण के इतने शीश काटने के बावजूद इतना ही शीश उठने का क्या कारण है? भगवान से बढ़ने की चिंता ना करें, यह छाया मृत्यु जय की है, खुशबू की जगह शिवाचन में सिर काट अपने चढ़ाए, यदि किसी यत्न से शिव शंकर इसके ध्यान से हट जाए तो भाव नष्ट होकर सारे नकली मस्तक कट जाए। दूसरा, इसकी नाभि में अमृत कुंड है जो जीवित रखती है खल को, इसलिए प्रभु छोड़िए ऐसा अमृत बाण जो सोखे इसके अमृत बल को, जो सोखे इसके अमृत बल को। द्रोही विभीषण, मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। भी मैं शूर है
तुमने रावण को प्रणाम किया? शत्रु को कैसा प्रणाम? देखिए भैया, इस समय रावण तुम्हारा शत्रु नहीं अपितु गुरु है। कुछ तो नीति सिखलाते जाओ हमें, ये नियम के अनुभव कुछ तो बदलाते जाओ। श्री हरि विष्णु के साथ युद्ध कर रहा हूँ, लेकिन अपने कुल के धारण के लिए मुझे ये सब करना बड़ा लगता है। इतना कम नहीं है लक्ष्मण के नीति शास्त्र का वर्णन हो, कहाँ इतनी शक्ति नहीं चलते जिससे कुछ आज्ञा पालन हो। दो बातें केवल शुभ कार्य को डाले नहीं कभी, और बुरा कार्य जितना हो सके डाल देना ही सही। मैंने सोचा था पृथ्वी पर मैं शीर सिद्धू को लाऊंगा, फिर सोचा था स्वर्ग तलक मैं सीढ़ी बनवाऊंगा, पर आज आज करते करते उससे शुभ कार्य रह गया है, रह गया सो रह गया। कर सकता कौन तपस्या यह है? हे राम, मुझे मारने में कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ, यह रण था तुम्हारी बाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। अच्छा अच्छा, अब नीति समाप्त हुई, कहनी अब एक हृदय की है। तुम समझे हो राम, तुम जीते हो, पर नहीं, जीत मेरी ही है, क्योंकि अपने जीते जी न जाने दिया लंका में राम तुम्हारे को। पर आज सामने तुम ही देखो, जा रहा हूँ राम तुम्हारे को, जा रहा हूँ धाम तुम्हारे को, जा रहा हूँ धाम तुम्हारे को। तेरा एक अंतिम हर हर महादेव। हो गया भाई, राम रावण युद्ध संपन्न हो गया, शुरू हो जाएगी आतिशबाजी और रावण के पुतले जलाने शुरू हो जाएंगे। अभी देखो, आप बने रहो वीडियो में। और गाइस, जहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अब आतिशबाजी शुरू होगी गाइस, देखो आप फटाफट। चलो भाई, फोड़ो, शुरू करो। पत्थर आते भी आएंगे है ना? हाँ भी आएंगे। ये आप उठाओ, आप उठाओ। अभी कितने नीचे ही पड़ जाते हैं देखना तुम। पूरी मस्जिद से लेकर के पूरा इधर तक पूरे में एरिया में पब्लिक देखो, इस टाइम पूरा क्रिकेट ग्राउंड हो रखा है। इस टाइम पे देख रहे हो आप, ये नीचे पड़ गया देखो।
चालू है देखो रावण फूक दिया लेकिन आतिश बंद कर रहा है यार। आतिशबाजी खत्म नहीं हुई है, मेरा हाथ थक गया रिकॉर्डिंग करते करते। कंटिन्यूसली पूरे 10 मिनट तक आतिशबाजी होती रही, अभी भी देखो आ ही रहे हैं फटाफट। कम कितने हैं भैया, खत्म ही नहीं हो पा रहे हैं अभी तक। और है खत्म हो गए, गर्दन में दर्द हो गई ना देखते देखते। चलो पब्लिक चेक करो गाइस, पब्लिक जनता देख लो, ये सब जनता उठ गई। अभी तक देखो आपने सीढ़ियों में जगह नहीं थी, अब देखो आप पूरे सीट खाली हो गई, सब चल दिए अपने अपने घरों में। अभी भी पूछने में यार गाड़ी की तरह लग गई गाइस भीड़, सब लोग अपने अपने घरों को जाने लग गए। देखो रावण फूक गया, पूरा समाप्ति हो गई, पूरी भीड़ चितर पितर हो गई, सब चले गए। आई होप गाइस आपको ये मज़ेदार लगी होगी वीडियो, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल।
तो गाइस देखा आपने रावण कैसा फूका, मजा आने आया नविंदा दा तुम्हें? बहुत मजा आ गया। सब लोग हम चाह रहे हैं यहाँ से सीधे भवाली, क्योंकि यहाँ का रावण तुमने जला दिया है। वो देखो पूरा धुआं धुआं हो गया, सब लोग घर को जाने लग गए अपने अपने। और एक बार ओवरऑल नजारा देखो आप, कितना सुंदर दिख रहा है देखो गाइस यहाँ से। तो अभी क्या है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं भवाली, क्योंकि भवाली का भी रावण नहीं फूका होगा, वहाँ भी जा रहे हैं। तो गाइस आप कमेंट में बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा, नैनीताल का या भवाली का, ठीक है? तो बने रहे वीडियो में, अब हम निकल रहे हैं भवाली का। जा रहा है देखो गाइस राम रथ, अभी जा रहे हैं रामलीला स्टेट बड़ा बाजार, क्योंकि वहाँ पे इनका राज्याभिषेक होगा। और आज फिर रामलीला समाप्त, यही फाइनल था रामलीला का मंचन, तो आपको दिखा नहीं पाया, मैंने कहा फाइनल दिखाता हूँ आपको दशहरा। तो यही था गाइस दशहरा। तो गाइस चल पड़े हम लोग ये भवाली को, निकल गए हैं क्योंकि उस राइड तो बहुत जाम था, कॉलेज वाली रोड पकड़ी हमने और हम लोग जा रहे हैं। और ये देखो लाइट, पैदल पैदल लोग बाग चले जो रावण देखने आए थे। अभी पीछे बहुत भयंकर जाम था तो वीडियो बनाने का हो नहीं पाया, मैंने कहा स्कूटी निकालो और चलते रहते हैं। ये देखो ये सारी आम जनता चली है नैनीताल से अपने घरों से जो देखने आए थे रावण को, और हम भी अब निकल रहे हैं। अब हम चलते हैं गाइस, मिलते हैं आपको भवाली। तो स्टे ट्यून, और यहां तक वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भाई के चैनल को। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम भवाली, अब हम जा रहे हैं यहाँ से पीछे फील्ड जहाँ पे रावण का कार्यक्रम होने वाला है, वहाँ हम जा रहे हैं। और यहाँ से भी ऊपर जाएंगे हम लोग, वहाँ पे है, फिर मिलते हैं आप। दोस्तों हम लोग भवाली, यहाँ यहाँ का भवाली का रामलीला ग्राउंड वो है देखो गाइस, रावण ये यहाँ का भवाली का रावण देखो आप, ये लगाने गए भैया आग, देखो लगाओ लगाओ लगाओ, मेरी आतिशबाजी स्टार्ट हो गई देखो गाइस यहाँ। आगे देखो गाइस आतिशबाजी इस टाइप से तगड़ी वाली, इस बार का लगा ही है। ये तो गाइस जल गया पूरा रावण, सब लोग जाने लग गए, अब हम भी चलते हैं घर को, बाय बाय करते हुए चल देते हैं हम भी घर को। तो गाइस हो गया फाइनली दशहरे का पर्व खत्म, नैनीताल का भी आपने देख लिया, भवाली का भी देख लिया।
ए है नैनीताल का, बी है भवानी का। अब आप कमेंट में बताओ कि कौन सा आपको अच्छा लगा। चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट व्लॉग के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय, लव यू ऑल, बाय। खत्म कर।